शिवराज के बाद कौन? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विदिशा संसदीय सीट से सांसद और देश के कृषि मंत्री के साथ पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान प्रदेश से अब देश की राजनीति में एक बार फिर से कदम रख चुके हैं। प्रदेश सरकार चलाने का अनुभव रखने वाले शिवराज अब केंद्र में अहम जिम्मेदारी संभालते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान और उनकी विधानसभा सीट को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि अब शिवराज के बाद है कौन? जी हाँ, सवाल है बुदरी विधानसभा सीट को लेकर, जहां से शिवराज चुने गए। शिवराज अभी बुदनी विधानसभा सीट से विधायक हैं और जाहिर है कि केंद्र में पहुंच जाने के बाद अब उन्हें विधानसभा की सीट को खाली करना पड़ेगा, यानी कि अपना इस्तीफा विधानसभा की सदस्यता से देना होगा। फिर अब शिवराज सिंह चौहान के बाद बुदनी सीट का नेतृत्व कौन करेगा? इस सीट पर बीजेपी किसे टिकट देगी? यहां से कौन से नाम चल रहे हैं? क्या चौहान फैमिली का सिक्का यहां पर अब भी चलता रहेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय मैदान में नजर आने वाले हैं? क्या वो घड़ी आ गई जब कार्तिकेय चौहान की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएगी? दरअसल ये संभावना इसलिए भी बन रही है क्योंकि कार्तिकेय चौहान पार्टी के लिए लगातार सक्रिय रूप से काम करते देखे गए हैं लाइमलाइट से दूर। शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं और 2013 से लेकर 2024 तक बुदनी में वे सक्रिय हैं। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, कार्तिकेय के कंधे पर ही पूरी जिम्मेदारी थी, तब जबकि मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे उनके पिता यानी शिवराज पूरे प्रदेश का दौरा कर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी कार्तिकेय ने अपने आप को साबित किया और यहाँ बड़ी जीत को बरकरार रखा। ऐसे में उनकी दावेदारी में भी दम आ चुका है। लेकिन शिवराज के बेटे कार्तिकेय ही मैदान में हों ऐसा भी नहीं है। शिवराज के लिए जिन्होंने सीट छोड़ दी, यानी कि विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव भी यहां से दावेदारों में से एक हो सकते हैं, और इसके पीछे के कारण की अगर बात की जाए तो भार्गव शिवराज के करीबी भी हैं। उनके लिए उन्होंने खुशी खुशी सीट छोड़ दी और तो और पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे प्रचार में उनके साथ मजबूती से साथ दिया, लिहाजा उनकी दावेदारी बनती है क्योंकि भार्गव उम्र में 70 प्लस के हो चुके हैं। राजनीति में सक्रियता के लिहाज से 4 से 5 साल का वक्त उनके पास है, और ऐसे में ये हो सकता है कि शिवराज भी भार्गव को ही उपचुनाव के लिए लड़ाना चाहें। हालांकि सिर्फ 2 नाम हो ऐसा भी नहीं, इस लिस्ट में कुछ और नामों की भी दावेदारी मानी जा रही है इस लिस्ट में। मसलन रवि मालवीय जो वर्तमान में सीहोर बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, महेश उपाध्याय जो सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट के 16 साल से अध्यक्ष हैं, रघुनाथ भाटी जो सीहोर जिले के पूर्व अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ गुरु प्रसाद शर्मा जो नसरुल्लागंज के रहने वाले हैं और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये सभी शिवराज सिंह चौहान की गुड लिस्ट के नेता हैं, और ऐसे में हो सकता है कि इनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लग जाए। हालांकि जहां तक कि कार्तिकेय चौहान की बात है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी परिवारवाद से दूरी बनाए रखना चाहेगी और इसीलिए उनकी दावेदारी कमजोर भी हो सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, बीजेपी ने जिस तरह से रतलाम झाबुआ लोकसभा संसदीय सीट पर वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया और उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली, तो माना यह जा रहा है कि पार्टी इस धारणा को भी तोड़ चुकी है। दूसरी तरफ किरार और धाकर समाज को साधने के लिए भी पार्टी ये फैसला कर सकती है कि बुदनी सीट से कार्तिकेय चौहान को मैदान में उतारा जाए।